पता है क्या, तुम हो ही इसी लायक, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। अरे मेरी बात तो सुनो। औकात है तुम्हारी मुझसे बात करने की? जा रही हूँ मैं, आज के बाद मुझे कभी फोन नहीं करना। औकात की बात कर रही हो? अरे मैं 8-8 घंटे की जॉब के बाद 2-3 ओवर टाइम कर रहा हूँ, ताकि शादी और उसके बाद के खर्चों के लिए मैं कुछ सेविंग्स कर सकूँ। तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ? तुम्हें पता है क्या, कुछ नहीं, जाने दो। और ये कहते हुए लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने साथ ले जाती है माधव के सारे सपने, उसकी खुशियाँ, उसका विश्वास और उसका प्यार। नतीजा, माधव जहाँ एक तरफ सब में घुल मिलकर रहा करता था, वहीं अब वो चुप चुप और शांत सा लोगों से दूर रहने लगा। और माधव, शादी कब कर रहा है? तू तो कह रहा था कि बस 5-6 महीने में। वो हाँ, बस 4-5 महीने में। अच्छा मैं अभी आता हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया मुझे। इस तरह के ताने माधव को अब घर और ऑफिस दोनों जगह सुनने को मिल रहे थे। ऐसे में माधव खुद के सुकून के लिए शहर से दूर एक जॉब की तलाश कर लेता है और वहाँ अकेले रहने लगता है। तो तुमने आगे का क्या सोचा है? मैंने घर में सबको पहले ही बता दिया है, ऑफिस में भी बता चुका हूँ, अब बस थोड़े से पैसे और जोड़ लूँ, बाकी तुम कब बताने वाली हो? बता दूंगी वक्त आने पर, तुम फिलहाल अपने करियर पर फोकस करो। कुछ दिन के बाद बॉस ने ये काम तुम्हें देने को कहा है, लंच के बाद निपटा देना, मेरा हाफ डे है आज। ठीक है, आप जाओ। अच्छा, आज मुझे जल्दी निकलना होगा, तुम मेरा ये काम मैनेज कर लोगे प्लीज? क्यों, क्या हुआ? वो मेरे पापा के दोस्त है ना, उनके बेटे ने ऑडी ली है, तो वो जिद कर रहा था मुझे पार्टी देने के लिए, इसलिए जाना होगा। पर हमारा प्लान था आज मूवी देखने का। हाँ तो संडे चलेंगे ना। पर क्या, वो मुझे ऑफिस तक लेने आया है, अब उसे मना करती अच्छी लगूंगी क्या? माधव कहाँ खोए हुए हो? नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। मैं निकल रही हूँ याद से। हाँ, श्योर। तो ऐसे कब तक जीने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है मैं अभी किन हालातों से गुजर रहा हूँ? ओ तो किन हालातों से गुजर रहा है मेरा बच्चा? अरे तुमसे बात ही करना बेकार है, तुम कभी नहीं समझ सकते मुझे। हाँ, जैसे सारी समझ तो भगवान ने तुझे ही दी है, तब ये समझ कहाँ थी जब वो अपने घर पर बताने के बहाने बना रही थी। हाँ तो तुम भी ले लेते ऑडी, औकात थी तुम्हारी ऑडी लेने की, फिर वो ना जाती उसके साथ। नाउ अब तुम समझ गए हो, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सो जाओ आराम से। खुद से बातें करते हुए माधव ने रिश्ते के टूटने की जड़ का पता कर लिया था। पहले जहाँ माधव ये सोच रहा था कि वो उसे भरपूर टाइम नहीं दे रही है, इसलिए वो रिश्ता टूट गया, वहीं अब उसे एहसास हो गया था कि असल वजह समय नहीं बल्कि पैसा था। बॉस मेरी प्रेजेंटेशन से बहुत खुश है। ओ सॉरी तुम्हारी, आखिर तुमने ही तो बनाई थी वो। हाँ कोई बात नहीं। शाम को फ्री हो? एक काम है। हाँ बता दो, मैं ओवर टाइम कर लूँगा। परफेक्ट, तो शाम को कॉफी पर चलेंगे। नहीं, मुझे घर पर कुछ काम है, आज नहीं। अब बहाने मत बनाओ, अभी तुम ओवर टाइम भी करने के लिए तैयार थे। इसे कॉफी डेट ने माधव के जीवन में रोशनी की उस किरण का काम किया जो बीच समंदर में खो चुके मछुआरे के लिए बादल छटने के बाद ध्रुव तारा करता है। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। नतीजा, माधव अब खुश रहने लगा था और अपना ख्याल रखने लगता है। तो तुमने क्या सोचा है, तुम कब तक ये नौकरी करते रहोगे? मैंने तो सोच लिया है कुछ बड़ा करूंगी। मतलब? यहाँ से माधव और प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो पहले एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जिसे वो दोनों अपनी मेहनत से बड़े बिजनेस में तब्दील करते हैं। आज माधव और प्रिया के चर्चे देश की जानी मानी मैगजीन्स और अखबारों में होते हैं। अच्छे लग रहे हो, तो अब कैसा लगता है तुम्हें? कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं उस दिन सच में कुछ कर लेता तो आज यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। जिंदगी में से किसी के चले जाने के बाद अपनी जिंदगी को रोक लेना सिर्फ एक बेवकूफ़ी ही होती है। साहब आपकी कार तैयार है। वैसे क्या कहा था तुमने, तुम्हारी औकात है ऑडी लेने की? अरे मैं खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, चलो मिलते हैं बाद में। दरअसल दोस्तों, जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो वो खुद से वैसी बातें करने लगता है जो कि वो नहीं चाहता कोई दूसरा आकर उसे कहे। जैसे कि वो खुद से कहता है कि वो इंसान तुम्हें इसलिए छोड़ के गया क्योंकि तुम सुंदर नहीं दिखते, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारी जात छोटी है। उस हालात में इंसान खुद को जितना डीमोटिवेट करता है उतना तो शायद उसका दुश्मन भी ना करे। आखिरकार माधव को ये बात समझ आ ही गई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी से हताश और निराश नहीं होना चाहिए, ना जाने कब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए।